अब मैं आपको पांच टिप्स बताने वाला हूँ बेसिक, जो आपको पबजी खेलने में हेल्प करेगा और जो शायद बहुत कम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहला मेरे ख्याल से ये रहेगा कि आप लोग जब खेलते हो कोई पर्टिकुलर मैप, तो उसमें एक कोई पर्टिकुलर स्पॉट जो होता है ड्रॉप स्पॉट, वो चूज कर लिया करो अपने टीम के साथ और सिर्फ उधर जाया करो, पूरा प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है गाइस, मतलब अगर आप मिल्टा पावर जा रहे हो तो मिल्टा पावर में ऐसे ऐसे एंगल्स आप प्रैक्टिस कर लो कि साला कोई कोई भी स्क्वाड उधर आएगा, आप लोग को गन फाइट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे चार स्पॉट्स पे उतर रहे हो कि उधर से आप पूरा मतलब अगर एक विंडो पे आओगे ना, आप एक दूसरे को कवर सब दे कुछ सकते देख हो, सकते हैं सब कुछ देख बेसिकली, जो लोगे, सबको आप कवर दे रीजन। दोगे। अच्छा एग्जैक्टली, पूरा एंगल, पूरा एंगल पकड़ के रखने का एकदम अच्छे से। तो फर्स्ट तो ये है कि कोई भी एक ड्रॉप स्पॉट है तो आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर डालो। सेकेंड टिप क्या था? हाँ, व्हेन यू शुड नो, एक पर्टिकुलर टीम में उन सबको मालूम होना चाहिए कि कब किसी फाइट में एंगेज करना है और कब एंगेज नहीं करना है। जैसे कि अगर जोन क्लोज इन हो रहा है और आप लोग फुकट में तब गोली चला दोगे, तो भाई फिर आप जोन में भी नहीं आ पाओगे क्योंकि सामने वाली टीम आपके आगे जाके जोन में रुक जाएगी। तो तब फाइट में अगर आप नहीं ये करो कमिट, तो बेटर होगा दूर से। वही एग्जैक्टली, दूर से गोली चला के तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप अगर जोन में जाके अगर एंगल पकड़ लोगे एक पर्टिकुलर, तो आपके टीम के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा वो। तो एक टीम में जो लीडर होता है, आईजीएल होता है, उसको वो चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि कब चल जोन में जाना है, कब जोन में नहीं जाना है, कब कब फाइट लेना है, कब फाइट नहीं लेना है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड वाला जो हेल्प ये है कि देखो, बहुत लोग कहते हैं कि उनका उनका गेम लैग हो रहा है ना। लैग के दो रीजंस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रीजन लैग का ये होता है कि वो आपका जो डिवाइस है वो मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहा है गेम को। एंड सेकंड रीजन ये होता है दूसरा कि इंटरनेट है भाई, लेटेंसी, हाँ, सीधा बात। दूसरा इंटरनेट है लेटेंसी, बेसिकली पिंग आपका जो होता है, पिंग। ठीक है, तो वो पिंग अगर 980 हुआ, 998 हुआ, 968 हुआ, तो आपका डेफिनेटली लैग होगा ही होगा। तो अब इस चीज को कैसे अवॉइड करना है? लेट्स गो नंबर ब्रो। वन, जो डिवाइस का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है, तो यू विल हैव टू गो फॉर अ वेरी गुड गेमिंग डिवाइस, जैसे कि एक आईफोन हो गया या फिर कोई भी ROG, OnePlus, यू कैन गो फॉर एनी गेमिंग प्रेस डिवाइस, स्पैम कर रहे कोई भी होंगे। एक गेमिंग डिवाइस जो बेसिक गेमिंग डिवाइस होता है। एंड मतलब उसके नीचे वाले जैसे पोको एंड ऑल, जो मैंने बहुत सारे सुने हैं, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता कि वो कैसे चलते हैं, बट जो रिकमेंड मैं कर रहा हूँ वो यही है कि यू कैन गो फॉर आईफोन, यू कैन गो फॉर OnePlus, यू कैन गो फॉर ASUS ROG, ये सारे डिवाइसेस। ठीक है, एंड जो इंटरनेट का इशू है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से आई वुड डेफिनेटली से गो फॉर iPhone XR या फिर कोई भी लेटेस्ट गाड़ी आईफोन। ले ले भाई, इंटरनेट का इश्यूज बोल जो बोल होता बोल। है गाइस, वो ऑब्वियसली आपके वाईफाई का इशू हो सकता है। अब देखो, हमारा तो वी हैव मतलब वाईफाई तो चलो है ही है, लैन इंटरनेट कनेक्शन है हमारा, लैन से कनेक्ट होता है, बट कभी कभी हमारा भी वाईफाई इशू देता है हम लोग को जो वाईफाई कनेक्शन है। तो बेसिकली आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर, बिकॉज मेरे एरिया में बहुत अच्छा सिग्नल है, एंड आई बिलीव, मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था बहुत टाइम की, बहुत जगहों पे इट हैज़ द बेस्ट नेटवर्क एंड रेंज एट प्रेजेंट, अगर आप डिटेल स्टडी करो तो। एंड इट इज़ एयरटेल, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एयरटेल। वो ट्रिक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप भाई मैप और जोन प्रेडिक्शन आना चाहिए सबको। जो एक टीम होती है उसमें एक आईजीएल होता है, एंड आई गेस अभी जो मेटा चल रहा है जोन प्रेडिक्शन का, वो ये है कि जोन उधर बनेगा जहाँ पे लिटरली कोई नहीं है सेंटर में, या फिर मिनिमम लोग है। आजकल जोन ऐसा बन रहा है, इफ यू आर गोइंग फॉर किल्स, ऑब्वियसली अगर जोन बना तो उसके चारों तरफ मारो पीटो घुस मारो ऐसा। अगर आपको किल्स नहीं चाहिए, पोजीशन चाहिए, सिंपली अगर एक जोन बना उसके सेंटर में जाके बैठ जाओ, और आपको मतलब फिर उसके बाद भी जोन ऑब्वियसली उधर ही खींचेगा जहाँ पे बहुत मिनिमम लोग हैं भाई। और एक फिर एक कोडेक्स का आपको ऐसा ट्रिक देने जा रहा हूँ आपको जो कोई नहीं देगा आपको, एक और है वो ये है कि अपना जो दरवाजा होता है, जंप अबे आने तो दे, 750 मीटर्स, तो आएगा ही नहीं अपना जो 750 मीटर्स दरवाजे हो होते जाता घर है। के, उसको ऑटो ओपन मोड पे, ऑटो ओपन मोड पे रख देने का, तो आप फास्ट क्यों अंदर घुस पाओगे दरवाजे के। देखा, ये ट्रिक किसी ने दिया है आज तक लाइफ में? बता था नहीं।